हेलो गाइस, वेलकम टू स्विफ्ट हियर। आई एम पुष्कर द्विवेदी। आज कौन सी तारीख है भाई? गेस करो। जेई मेंस कल से स्टार्ट हो चुका है, मींस आज 3 सितंबर है 2020। ठीक है, आज हम बात करेंगे, कल जो पेपर आया हुआ था फर्स्ट मॉर्निंग टाइम में, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मेमोरी बेस निकल के आए हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं यार, जो मतलब ऐसा कह सकते हो कि यार जो हम लोग बहुत डेली रूटीन में क्वेश्चंस करते हैं, किसी भी आपको बुकलेट में मिल जाएंगे। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं, हम लोग कह सकते हैं आरडी शर्मा या कोई सिमिलर बुक होगी उस लेवल के भी क्वेश्चंस हैं इसमें। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। 4 या 5 क्वेश्चन तो मुझे अभी देखने को मिले, कुछ 10 क्वेश्चन कुछ आए थे मेरे पास, उनमें 4-5 तो मुझे ही दिख गए कि भाई बहुत आसान से क्वेश्चन है। अभी और भी आएंगे, जब ऑफिशियली अपलोड होगा पेपर तब देखते हैं और कितने हो सकते हैं। तो जो जो मुझे लगा कि ये एनसीईआरटी या आरडी शर्मा लेवल बेस्ड है, तो उनको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, और जो बकाया है उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत बेसिक है इसलिए अच्छा लग रहा है भाई, आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिया होगा। ये जो पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को लेकर के है। ठीक है, ये इतना आसान सा क्वेश्चन है क्या, मतलब कुछ कह नहीं सकते। इसके 2 पार्ट होते हैं, 2 तरीके से काम कर सकते हैं, एक मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 तो चुटकियों में हो जाता है, मतलब ये समझो कि 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है कि अपनो जो आईडी शर्मा वाला लेवल चलते हैं हम लोग, वही वाला है। ठीक है, तो पहला वाला मेथड देखते हैं क्या है। मैंने क्लास में भी करवाया है, तो जो बच्चे जो क्लास वाले हैं उन्होंने देखा होगा, तो उन्हें लग रहा होगा कि यार ये ट्रिक जो है वो सफल हो गया, ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले मदर लिखा हुआ, मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ क्या है। क्वेश्चन है, इफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड्स मदर MOTHER ठीक है आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर एंड दीज वर्ड्स आर रिटन इन डिक्शनरी फॉर्म। डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, और एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये कैसा है, नॉन रिपीटिंग वाला है तब तो और ज्यादा आसान है। रिपीटिंग वाला होता तब भी टाइम लगता है थोड़ा सा, जो नॉन रिपीटिंग है उसकी ट्रिक और आसान होती है। ठीक है, देन फाइंड करना है पोजीशन ऑफ मदर, मदर कौन से नंबर पे आ रहा है उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। तो सबसे पहले देखते हैं कितने लोग हैं, कितने वर्ड्स हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 वर्ड्स है हमारे पास। तो मैं इनको सबसे पहले अल्फाबेटिकली फॉर्म में लिख लेता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, ई आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, ओ, फिर आर और फिर टी आ गया। ठीक है, एम ओ टी एच ई आर को लिखते हैं, ई एच एम ओ आर टी। ठीक है, आप लोग देखो तो ये अल्फाबेटिकल फॉर्म है। अब क्या करना है, अब इसको मैं नंबरिंग कर देने, 0 1 2 3 4 5। बहुत लोगों ने ये वाली ट्रिक जानते होंगे, और यहाँ पे हम लिखना है क्या, एम ओ टी एच ई आर। ठीक है, देखते हैं तो एम कौन से नंबर पे आएगा भाई, एम हमारे पास कौन से नंबर पे, एम दूसरे नंबर पे, तो 2 आ गया। मल्टीप्लाई भाई जितने पीछे बचते हैं भाई, याद होगा ना, तो 1 2 3 4 5 5 लोग पीछे बच रहे, मतलब 5 फैक्टोरियल आ गया। फिर प्लस करेंगे, अब एम वाला पार्ट यूज हो गया तो एम को काट दिया, फिर से नंबरिंग दोबारा से 0 1 2 3 4। अब क्या आएगा हमारे पास, आप ओ देखो तो ओ की नंबरिंग कहाँ पे है, ओ की नंबरिंग 2 पे है, तो 2 मल्टीप्लाई भाई ओ के बाद कितने बच रहे हैं, 1 2 3 4, मतलब 4 फैक्टोरियल आ गया। फिर कितना आएगा, ओ को भी कैंसिल कर दो, फिर से नंबरिंग चालू करेंगे तो 0 1 2 और 3। इसके बाद क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो टी कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 3 गुणा टी के बाद देखो कितने बचे, 3 बचे, तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। फिर प्लस, तो क्या कट गया, टी कट गया, अगर नंबरिंग फिर से करोगे तब भी वही सेम रहेगी। इसके बाद क्या आएगा, टी तक का काम हो गया हमारे पास। अब आते हैं एच पे, तो एच की नंबरिंग कितनी है, 1 गुणा 1 के बाद कितने, एच के बाद कितने लोग बचे, 2, कितना आएगा, 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। प्लस ईपी की नंबरिंग कितनी है, देखो एच को भी काट दिया, अब नई नंबरिंग आएगी 0 और 1 हो गया। तो ई को देखा तो ई की नंबरिंग कितनी है भाई, 0, तो 0 मल्टीप्लाई भाई क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल आएगा। और लास्ट वाले को हम लोग क्या लिखते थे, 1 से लिखते थे, तो इनको ऐड करो कितना आ रहा है, देखते हैं भाई कितना आंसर आ रहा है। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120 मल्टीप्लाई भाई 2 कितना आ गया, 240। प्लस ये 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 24, तो 48 आ गया। फिर प्लस 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 होता है, तो ये 18 आ गया। फिर प्लस कितना आएगा भाई, 2 आ गया, और प्लस में आ गया कितना, 1 आ गया। तो इन सबको जोड़ो तो कितना आएगा, 8 8 16 17 18 19, 1 आ गया, 4 4 8 9 10, 309 309 इसका आंसर है, मतलब बी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, तो इतना आसान सा क्वेश्चन होता है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। इसका दूसरा वाला मेथड देखते हैं कैसे बनता है, दूसरा वाला मेथड, जिनको ये नहीं पता था, दूसरा वाला मेथड देखते हैं कितना आसान वो भी है।
तो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं केवल सॉल्व करके बता रहा हूँ। जिन लोगों ने पढ़ा है उन्हीं को आएगा, और जिन्होंने एक बार भी नहीं देखा उनको समझ नहीं आएगा। जिन्होंने कुछ टाइम देखा है या हो सकता है याद ना हो, उन लोगों के लिए ये चीज है ना। तो देखते हैं अब इसका दूसरा वाला मेथड, मेथड नंबर टू कैसे आएगा। एम ओ टी एच ई आर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं अल्फाबेटिकली इसको क्या करना है, डिक्शनरी के फॉर्म में करना है, मीन्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रखना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो ई लेटर से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे भाई, तो ई तो फिक्स हो गया, बाकी कितने लोग बचे भाई, ई को फिक्स करके देखो, एक दो तीन चार पांच, तो पांच लोग हैं जो क्या करेंगे आपस में घूमते रहेंगे। तो ई से स्टार्ट होने वाले लोग बन जाएंगे, तो ई से स्टार्ट होने वाले कितने आ गए, फाइव फैक्टोरियल। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे एन से स्टार्ट होने वाले चाहिए, तो ई के बाद कौन सा पन्ना आएगा हमारे पास, ई के बाद यहां देखो तो एच से खुलने वाला पन्ना आएगा, तो एच को फिक्स कर दिया मैंने। अब कितने आएंगे, फिर से हमारे पास फाइव लेटर्स हैं, ये आपस में घूमते रहेंगे, तो एच के साथ कितने बनाएंगे भाई, ऐसे वर्ड्स जो एच से स्टार्ट हो रहे हैं कितने होंगे, फाइव फैक्टोरियल हो जाएगा। अब क्या आएगा, अब आएगा एम, और एम आते ही हमारे पास एम मिल गया, हमने एम फिक्स कर दिया। एम के बाद अब यहाँ पे कौन आएगा, अब अल्फाबेटिकली एम के बाद क्या आएगा, फिर से अल्फाबेटिकली ऑर्डर चालू हो जाएगा, तो ई फिर आ जाएगा, है ना। लेकिन मुझे ई नहीं चाहिए, तो ई के बाद कितने लोग बचे, एक दो तीन चार, कितने बचे, चार बचे, तो ये चार लोग आपस में घूमते रहेंगे भाई, फोर फैक्टोरियल से। फिर क्या हो गया, एम के बाद एम तो फिक्स हो गया था, अब ई के बाद क्या आएगा, एच आ जाएगा, एच भी हमें नहीं चाहिए, तो एच वाले भी निकाल दो, तो एम एच से स्टार्ट होने वाले कितने होंगे, तो फोर फैक्टोरियल ये भी हो जाएंगे। आप देखते हैं अब क्या हो रहा है, तो आ गया एम फिक्स हो गया, एच के बाद क्या आएगा, अब एम तो आएगा नहीं, क्या जाएगा, ओ आ जाएगा, तो ओ मुझे चाहिए था, तो एम और ओ को मैंने कैंसिल कर दिया, ये दोनों फिक्स हो गए। अब फिर से हम लोग कहां से चलेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर से चलेंगे, तो क्या आएगा, ई आ जाएगा। क्या एमओ के बाद ई चाहिए था हमें, नहीं चाहिए था, तो यहां कितने लोग बचे हमारे पास, तीन लोग, तो ई एमओ के बाद ई से स्टार्ट होने वाले थ्री फैक्टोरियल आएंगे, इनको निकाल दो। अब क्या आएगा, एम आ जाएगा, ओ आ जाएगा, कैंसिल हो गया। ई के बाद क्या आएगा, एच आ जाएगा, ठीक है, एच वाले भी नहीं चाहिए, मीन्स थ्री फैक्टोरियल फिर से निकाल दो। अब एमओ तो फिक्स है, एच के बाद क्या आएगा भाई, ई आ गया, एच आ गया, एम तो पहले ही हो रखा है, ओ भी हो रखा है, आर आ गया, ठीक है, तो आर वाले देखते हैं, तो एम ओ आर वाले, क्या एमओ के बाद आर चाहिए, नहीं चाहिए, तो फिर से थ्री फैक्टोरियल निकाल दो। उसके बाद क्या आएगा, आर के बाद क्या आएगा, टी आएगा, तो एम ओ और टी, जैसे टी मिला तो ये तीनों फिक्स हो गए। अब फिर से अल्फाबेटिकली ऑर्डर चालू हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा, ई आ जाएगा, तो ई हमें नहीं चाहिए, मीन्स हम लोग टू फैक्टोरियल इसको निकाल देंगे। इसके बाद क्या आ गया, एम ओ टी तो फिक्स था, ई की जगह क्या आएगा, एच आ जाएगा, एच चाहिए था, तो ये चारों आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला वाला पार्ट देखेंगे, तो अगला फिर से ई से चालू होगा, तो ई भी चाहिए था, फिर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, वन आ गया। इन सबको ऐड करोगे तो आंसर कौन सा आएगा, 309 आएगा। कैसे आएगा देखते हैं एक बार, देखो 5 का 5 फैक्टोरियल 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू 5 फैक्टोरियल, 4 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 इंटू 4 फैक्टोरियल आ गया। 3 कितनी बार था, 3 फैक्टोरियल 3 टाइम था, और 2 फैक्टोरियल कितने टाइम था, 1 टाइम था, और 1 लास्ट में ये था, ठीक है, तो ये हो गया। तो कैलकुलेशन जो लिखा हुआ है वो उसी के अकॉर्डिंग है, बस सॉल्व करने का तरीका दूसरा था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आपको नंबर 100% मिल जाते या मिलेंगे जब आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। आंसर क्या है, 309 है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला भी देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, उससे भी आसान, पुराने वाले क्वेश्चन से भी आसान और बहुत कम टाइम में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या, लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन है, और लिटरली आप विश्वास मानोगे कि ये केवल आईडी शर्मा लेवल पे है, ठीक है। देखना क्या है, केवल कुछ नहीं, एक लाइन में आंसर आ सकता है, अगर जिनको ध्यान हो, जिनको अच्छे से आता होगा लिमिट, ठीक है। कैसे, देखो भाई सबसे पहले क्या करते हैं, लिमिट के क्वेश्चन में फॉर्म चेक करते हैं, तो सबसे पहले फॉर्म चेक किया, तो फॉर्म चेक करने पे क्या होता है, एक्स की वैल्यू रखनी होती है, तो आपने एक्स की वैल्यू रखी तो वन 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 कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो वन 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 कितने बार, एन बार, कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन माइनस एन जीरो हो गया, अपॉन वन माइनस वन जीरो आ गया, तो फॉर्म चेक कितना हो गया, जीरो अपॉन जीरो। हम देखते हैं कि क्या आ जाए, फॉर्म चेक कौन सा आ गया, जीरो अपॉन जीरो, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, तो क्या होता है भाई, जीरो अपॉन जीरो या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म पे क्या लगता है, एल एच रूल लगा सकते हैं, कॉम्पिटिशन में बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो हम लोगों ने क्या किया, एल एच रूल लगाया। तो यूजिंग एल एच रूल का मतलब क्या हो जाएगा भाई, डिफरेंशिएशन सेपरेटली, न्यूमरेटर में अलग और डिनोमिनेटर में अलग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है भाई, तो एक्स टेंड्स टू वन हो गया। यहाँ एक्स की जगह पे क्या आएगा, वन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह टू एक्स, ये क्या आएगा थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फोर एक्स टू दी पावर थ्री हो जाएगा, से लेकर के एक्स टू दी पावर एन का क्या आ जाएगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, और वो एन क्या है कॉन्स्टेंट है, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अपॉन में क्या हो गया भाई, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, मींस 1 आ गया। आप फिर से फॉर्म चेक करेंगे तो फॉर्म चेक की भाई साहब सही है बिल्कुल, इक्वल टू में कुछ दे रखा था 820 करके, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं क्या आ रहा है, तो आपने x की वैल्यू रखी तो क्या मिलेगा, 1 2 3 से लेकर के कहां तक, n तक मिल जाएगा। इक्वल टू कितना 820 है, मुझे क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। और ये क्या दे रखा है भाई, ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम दे रखा है, तो इसका सम होता क्या है, डायरेक्ट बताना है, n n प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 820 आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, है ना। देखते हैं क्या बन रहा है, तो ये आ गया n स्क्वायर और प्लस में क्या आएगा, n आ जाएगा इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहां, तो कितना आ जाएगा 61640 n स्क्वायर प्लस n माइनस 1640 इक्वल टू 0, ठीक है। 1640 में 1 आना चाहिए, मींस आप ऑप्शंस में ये चीज कंफर्म होता है, दे रखा होता है, ठीक है। याद ही रखना है कि जैसे क्वाड्रेटिक बन रही है ऑप्शंस में बिल्कुल 100% मिल जाएगा अपने को, है ना। तो देखते हैं कितना आएगा, 404 चाहिए, यहां पे मिल जाएगा, देखो 40 और 41 वाला पार्ट, इन दोनों में से ही आंसर होगा n स्क्वायर, और ये कितना आएगा भाई, प्लस का चाहिए लेकिन यहां पे माइनस है, कितना आएगा 41 n आ जाएगा, माइनस 40 n माइनस 1640 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया भाई। यहां से n कॉमन ले लिया, n प्लस 41 आ गया, यहां से 40 कॉमन लिया माइनस का, n प्लस 41 आ गया इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। डेफिनेटली आपको आंसर मिल गया होगा, कितना है भाई साहब, n इक्वल टू 40 आ जाएगा। क्यों आएगा भाई, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, n इक्वल टू माइनस 41 जो कि पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई साहब लिमिट है और ये पावर्स आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है, दे नहीं रखा लेकिन हमें मान के चलना n belongs to natural number, आंसर कितना है 40 है। और दूसरी तरफ भी देखो तो n equal to ये minus 41 आएगा, जबकि यहाँ पर प्लस का दे रखा है, means option number इसका भी B सही है। कितना आसान था क्वेश्चन है, LH rule पे depend है क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इसको तो कोई 11th क्लास वाले ने अगर LH rule पढ़ा हुआ है ना तो वही सॉल्व कर देगा, ठीक है। और NDA में इसके चांसेस, इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो जो NDA भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो खास तौर पे देखते हैं, ये चारों क्वेश्चंस एनडीए लेवल ही हैं, आरडी शर्मा या एनडीए बात बराबर ही होती है, थोड़ा बहुत बस कंपटीशन और सब्जेक्टिव का फर्क होता है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या सॉल्यूशन हो सकता है और तीसरा क्वेश्चन है क्या। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास डेफिनेट इंडिकेशन का है, देखते हैं क्या, बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन क्या है यहाँ पे ध्यान रखना है अपने को, क्या कि मॉड्यूलस लगा हुआ है, और मॉड्यूलस लगा होता है बहुत लोगों की हवा खराब हो जाती है, ठीक है। तो हवा खराब नहीं करनी, हमें देखना है क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे इसका सॉल्यूशन बनता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक बार देखते हैं क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या, 0 to 2 लिखा हुआ है, मॉडुलस, दो मॉडुलस है यहाँ पे, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो बड़ा वाले मॉडुलस के साथ क्या है, छोटा मॉडुलस स्टार्ट हो रहा है एक्स माइनस वन माइनस एक्स डी एक्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तो हमें सिंपल सा ये पता है कि जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन होता है ये मॉडुलस पे वर्क नहीं करता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस को तोड़ना पड़ेगा सबसे पहले। और तोड़ने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले मॉडुलस जब टूटता है, जब ये लिमिट लगी है इन पे डिपेंड करेगा, और अंदर जो पार्ट आ रहा है उस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि अंदर वाला मॉडुलस जो है वो कहां टूटता है। तो देखो, 1 पे टूटेगा, ये x माइनस 1 लिखा है, तो ये वाला पार्ट कहां बन रहा है, 0 बन रहा है। 0 के पहले नेगेटिव आ सकता है, बाद में पॉजिटिव आएगा। तो 1 पे ये टूट रहा है, तो सबसे पहले मैं लिमिट तोड़ दूंगा। तो लिमिट टूटते ही क्या बनेगा, जैसे i इक्वल टू हम लोग इन जनरल रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये आ गया 0 to 1। अब देखो क्या बनता है, ठीक है, बड़ा वाला मॉडुलस लगा हुआ है इसमें, देखो तो 0 से 1 के बीच में। तो सबसे पहले कैसे तोड़ते हैं, 0 से 1 के बीच की कोई सी वैल्यू उठा लो, जैसे मैंने 0.5 उठाई, तो 0.5 उठाई, यहां रखो क्या रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या रहा है नेगेटिव, तो ये कैसे खुलेगा, माइनस के साथ ही खुलेगा। तो माइनस ऑफ एक्स माइनस वन माइनस एक्स आ गया, और बड़ा वाला मॉडुलस डी एक्स आ गया। फिर क्या आएगा भाई, 1 से 2 आ जाएगा, मॉडुलस बड़ा वाला लगाया,
अब वन से टू की कोई भी वैल्यू रखा उठा करके, तो वन से टू के बीच की जैसे ही आपने कोई सी वैल्यू रखी तो ये जो बनेगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, और जैसे ये मॉडुलस पॉजिटिव बन गया तो एज इट इज खुलेगा, तो एक्स माइनस वन और माइनस एक्स और होल मॉडुलस बड़ा वाला लगा हुआ है, साथ में क्या गया डीएक्स आ गया। मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन जो थे उसमें थोड़ी सी जल्दबाजी इसलिए की थी क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चन थे, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको आई थिंक दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि लेंथी जाएगा क्वेश्चन थोड़ा सा। तो ये वाला पार्ट हो गया, अब आई इक्वल टू फिर से लिखा। अब आपने क्या किया, मॉडुलस को सबसे पहले सॉल्व कर लो, तो जीरो से वन बड़ा वाला क्या आएगा माइनस एक्स प्लस वन, तो इसको मैं यही लिख देता हूँ माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा वन माइनस टू एक्स आ गया और इसके साथ डी एक्स बन गया और प्लस वन से टू ये आ गया। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये ब्रैकेट किसी काम का नहीं है, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया माइनस वन और डी एक्स आ गया, ठीक है। अब आपने देखा कि माइनस वन डी एक्स कॉन्स्टेंट आ गया, कॉन्स्टेंट पे मॉडुलस रखते ही मीन्स यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि भाई तब पॉजिटिव या नेगेटिव है, क्या है माइनस वन है मीन्स ये पॉजिटिव हो जाएगा और मॉडुलस खुल जाएगा, तो सिंपल सा यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जो बचा वो मॉडुलस इस पे बचा हुआ है, और जैसे ही मॉडुलस सॉल्व हो जाएगा विश्वास मानो कि आप लोग एक मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आई इक्वल टू कितना आएगा भाई, जीरो से वन, अभी भी मॉडुलस लगा हुआ है तो फिर से मुझे लिमिट तोड़नी पड़ सकती है, कहां पे, तो वन अपॉन टू पे, ये पार्ट कब जीरो बन रहा है, अंदर वाला देखते हैं कब जीरो बन रहा है, तो वन अपॉन टू पे जीरो बन रहा है, मीन्स लिमिट कहां पे टूटेगी, जीरो से वन अपॉन टू तक। तो वन अपॉन टू पे देखा तो जीरो से वन अपॉन टू के बीच में अगर हम लोग एक्स की कोई सी वैल्यू यहां रख रहे हैं तो ये क्या आएगा, कैसा आएगा भाई, समझते हैं इसको। तो जैसे मैंने कहा कि अपने पास कितना रखते हैं भाई, वन अपॉन थ्री रख दिया, तो वन माइनस ये क्या जाएगा टू अपॉन थ्री आ जाएगा और ये कैसा बनेगा पॉजिटिव बन जाएगा, तो पॉजिटिव बनेगा तो मैंने आपको बताया था कि एज इट इज खुलेगा, तो वन माइनस टू एक्स के साथ डी एक्स आ गया और प्लस अब कितना आएगा वन अपॉन टू से लेकर के वन तक जाएगा। अब वन तक जाएगा तो देखेंगे आप कि जैसे आपने वन अपॉन टू से बड़ी वैल्यू रखी, ठीक है, मीन्स आप कितना कोई सा भी वैल्यू रख करके देख लो, तो वन अपॉन टू से जैसे आप बड़ा रखोगे तो ये जो पार्ट है वो कैसा बन जाएगा भाई, ये नेगेटिव हो जाएगा और जैसे ही नेगेटिव होता है तो ये क्या जाएगा माइनस के साथ खुलेगा, तो माइनस के साथ खुलते ही क्या बनेगा वन माइनस का टू एक्स पॉजिटिव का, तो टू एक्स माइनस वन और डी एक्स आ गया और लास्ट वाला क्या है हमारे पास वन से लेकर के टू डी एक्स लिखा हुआ। अब कोई भी बंदा जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा हो, बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, वही सॉल्व कर ले जाएगा। तो हम लोग भी देखते हैं इसको क्या आता है इसका आंसर। तो देखो वन का जब करोगे तो क्या आएगा एक्स आ जाएगा और टू एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का तो टू एज इट इज है, एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू होता है, इस पर लिमिट लगा दी जीरो से लेकर के हाफ तक और फिर प्लस लगाया यहाँ पे टू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे लिमिट लगेगी वन अपॉन टू से वन और लास्ट वाला जितना बनेगा एक्स आएगा और एक्स पे कहां से कहां तक लिमिट लगेगी भाई वन से लेकर के टू तक की लिमिट लग जाएगी। तो ये देखते हैं क्या बन रहा है, वन अपॉन टू रखा तो आएगा वन अपॉन टू माइनस ये कैंसिल आउट तो कितना आ जाएगा वन अपॉइंट फोर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पे जैसे वन अपॉइंट टू रखोगे तो वन अपॉइंट फोर आ जाएगा, जीरो रखते ये वाला पार्ट जीरो ये वाला पार्ट जीरो इतना आ गया, ठीक है। फिर प्लस लगाया आप टू से टू कैंसिल वन रखोगे तो वन माइनस वन अपर लिमिट रखी माइनस लोअर लिमिट रखो तो ये कितना आएगा वन अपॉइंट फोर आ जाएगा और माइनस वन अपॉइंट टू आ गया, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे क्या आएगा वन आ जाएगा टू माइनस वन वन हो जाएगा। तो अब देखना ये वाला पार्ट तो जीरो हो गया तो वन अपॉइंट टू माइनस वन अपॉइंट फोर ये वाला पार्ट जीरो और यहां से देखो तो माइनस वन अपॉइंट फोर आ रहा है और माइनस बाहर लगा हुआ तो प्लस का वन अपॉइंट फोर और प्लस वन ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, वन प्लस वन अपॉइंट टू कितना होता है थ्री अपॉइंट टू, मीन्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, केवल और केवल आपको यहां तक लेके आना है, इस क्वेश्चन को यहां से लेकर के यहां तक लेके आना था, उसके बाद कोई सा भी बच्चा इसको ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं कर पाता, केवल दो स्टेप और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, केवल ये दो स्टेप होने, जिसको भी रोका होगा इन दो स्टेपों की वजह से गड़बड़ हुआ होगा, अदरवाइज यहां से जिसने भी किया था आगे वो सॉल्व होगा। और अगर कोई भी मिस्टेक कर रहा है कि पाई प्लस माइनस की तो वो नहीं कह सकते, अदरवाइज क्या बहुत आसान सा पार्ट है, ठीक है। यहां तक ये दो पार्ट है, ये कह सकते हो दो स्टेप है जो थोड़े से आपको लगे लग सकते हैं कि यहाँ पे फंस सकता है क्वेश्चन, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है और मॉडुलस मैक्सिमम लोगों को समझ तो आता है लेकिन अगर वो रिवाइज ना करें तो जल्दी भूल भी जाते हैं, ठीक है।